ऐसे से भेज दिए हैं ऐसे से लड़की का धंधा करते थे इसलिए ये बोलती थी मेरा ये नहीं करती हूँ मैं धंधा नहीं करूँगी इसलिए उनको पसंद नहीं था बोला के फांसी का ऑर्डर दिया जाए और जितना जाता जमीन बा वो लड़ी लड़की के नाम से दामी के राजे ठोकर से मार कर दिया मुड़ी पर चढ़ के मैं उतर गई दोनों ओर से केवारी बन करके घर में रख वे माता केवारी खोला ली इनका से कोई चल भाग आदमी के लिए चल भाग या तो भाग क्या नाम पड़ेगा आपका है ना सुशीला देवी आपके बेटी को जो है आपके जो दामाद थे उनसे शादी आप लोग किए शादी करने के बाद में जो है आपके बेटी को ले आकर के बेच दिए 22 बरस तो बाद जो है आपके घर आपकी लड़की आ गई है सही बात है तो काहे ऐसे मतलब कर दिया आपके दामाद यानी कि आपके लड़की को जो है 7 लाख में वो आपके दामाद बेच 22 बरस तक वो जो है जिस घर में उन्होंने बेचा उस घर में जो है 22 बरस तक झाड़ू पोछा खाना मतलब बना के खिलाई लेकिन उसके बाद जो है अचानक जो है चोरी छुपके से और भाग के चली आई आपके घर कहाँ कौन माई बोला लिया जी कौन माई माता केवारी खोला ली इनका से कहे चल भाग चल भाग तब भाग तब आपके लड़की जो है भाग करके आपके घर चली गई। अच्छा चाची एक बात बताइए कि रोबा पहले पता रहेगी और दामाद उनको करिए अपने मने रोबा नहीं हमरा पता ना रहे मैंने माई पर आशा रही कोई छोटा माई खोज के लिए ननू मैंने पहले जब रोबा शादी करनी अपना लड़की के तो मैंने आखिर रोबा लड़की में का कमी रहे का दिक्कत रहे रोबा लड़की के बेच देने फिर दूसर शादी कर कथी कमी रहे कहे बेहतर के कार पर तई कहे हम नैकी कहे बाप दे तो मारे पीटे भगावे तो देखले रास्ता रह जी आओ आप मना ब्रो आप का चाहत नहीं हम चाहता जी हम निका का थाक गई हम निका पूछो नहीं तो इनका जीवन कैसे जाए लेकिन जोन राहुल दामाद इनका मतलब रुआ लड़की के हाथ पाँव मिले खर्चा पानी दे अठाई चाहे दवा दारू कपड़ा लाता भोजन के कहाँ से जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। एक लड़का है मेरे साथ अच्छा वो मैंने वो आपके क्या लगती है ये लड़कवा जो इसको पता है अच्छा वो तुम्हारी फुआ है मतलब तुम्हारे फूफा जो है मतलब क्या दिक्कत था तुम्हारे फूफा में कि उनको ला करके तुम्हारे फूफा को जो है ये सब पैदा नहीं करे ये सब कुछ जानकारी नहीं ये सब तो पैदा नहीं करे ऐसे से बेच दिए हैं ऐसे से लड़की का धंधा करते थे इसलिए ये बोलती थी मेरा ये नहीं करती हूँ मैं धंधा नहीं करूँगी इसलिए उनको पसंद नहीं था जीवन लाओ मतलब तुम्हारे फूफा देखिए बच्चा जो है इसको पता है तभी तो बोल रहा है शायद इसको पता नहीं होता तो नहीं बोलता लेकिन ये सही बात है जी, अच्छा और भी हमें यहाँ पे बहुत सारे लोग भी है जो इस गांव के भी है एक चाचा भी है थोड़ा जरा और उनको जो है उनके साथ बहुत गलत काम किए क्योंकि जो है 22 बरस तक की वनवास काटी अपना जो है जीवन मतलब किस तरह बिताई शायद उसी को पता है उन्हीं वही जानती है क्योंकि जो पति जो है पत्नी पति पत्नी का रिश्ता जो है पवित्र होता है लेकिन वो पति जो है अपने पत्नी को जो है 7 लाख में बेच देता है बेचने के बाद में जो है 22 वर्ष तक जो है वनवास काटती है अब वनवास काटने के बाद में जो आज जो है वो चोरी चुपके से जो है घर चले गए लेकिन घटना में रुका क्या लगा था घटना में तो हमारा ये रहा था लड़की के जगह कहले बा बोला के फांसी का ऑर्डर दिया जाए और जितना जाता जमीन बा
वो लड़की के नाम से कर दिया जाएगा। अच्छा, अब तो मान लीजिए लड़की का एज 40 वर्ष हो गया, हाँ, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी? अब तो उसको कोई शादी नहीं करेगा उनसे, लड़की से। नहीं, शादी कैसे होगा? मान लीजिए एजेंट ना हो गई। अब शादी तो नहीं होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसे जितना ज्यादा जमीन है ना, इनके नाम से कर दो आकर यहाँ पर, अब उसके बाद उसको फांसी भी बढ़ा दिया जाए। शायद 22 वर्ष के अंतराल में दूसरा भी शादी हो गया होता, वो भी कहीं चले जाती, लेकिन उसको जो है 7 लाख में भेज करके बहुत बड़ा, मतलब जो है इससे अपराध कहा जाए, बहुत अपराध किया है। तो आज जहाँ पे आपको भेजे थे आपके मतलब पति, तो आपको पता था कि मेरा घर यहाँ है, मेरा थाना यहाँ है, मतलब सब कुछ आपको पता था? हाँ, सब पता था, इसीलिए आप चलिए। नहीं, अगर पता नहीं होता तो शायद आप नहीं आती। घरे के अंदर बनकर रख ले ना, तो कैसे मने रुआ अंधारवा खाली खाना बनावत रहनी, खियावत रहनी, झाड़ू पोछा लगावत रहनी, हमें झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब, लेकिन रुआ घर से बाहर ना निकले देते? नहीं, ना निकले देते लस, तो पहुंच जाए तो दुआ देर से घर से निकले ना, घरों में ताला बंद, बाहर से ताला बंद, बो जात लो जो घर से निकले ना। अच्छा, 22 वर्ष तक रुआ के घर हो गए? कैसे कैसे अपन बसे गुजारा काटे, गर्मी ठंडी कैसे बसे रहा ले गुजारा काटे, हम तो आज कुछ बन जाते जो कब भरती कब भरती, झूठ मुर्गा बोल रहे थे देख तो लड़की मर गई। अच्छा, मैंने रुआ मतलब नैया आके बोल रहे लोग लड़की मर गई? हाँ, माँ बाप से बोले तो लड़की मर गई, ऐना कहते लड़की के मुँह के हमें पड़ गई, लड़की कैसे मरल है, कैसे जिए, कैसे छोड़ी मुँह के लड़की मुँह का मैं अपन गलती ना कर, लेकिन अब रुपये ये चाहता नहीं कि फांसी हो जाओ। हाँ, फांसी हो जाओ, हमारा जगह जमीन हमारा ना पर होना चाहिए, हमारी जिंदगी के बर्बाद, जिंदगी के लगा बाप माता जो कैसे नहीं।